मक्खन दे आजी मक्खन लड्डू पेड़ा हिचकिया अरे मानो तुझे तो हिचकी लगा हुआ है। क्या किया मम पिया नहीं पिया तीर दिखा दे Not bad. A few moments later. की रेट दे 100 रुपए किलो आधा किलो दे दो और भाई तबीता मल ने लो जी मौसमी दस्तूर भी है मारते वाला अभी आखे कि ग्रोटे बह गई है ना लेखो अजीम साहब अजीम भाई हमारे साथ है मेहरबानी भाई मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम टू ओबाई जी यूट्यूब चैनल ताडे वीरे दा चैनल भरा दा चैनल ते अज अही अन्ने वाली अनक ला ली अजीम भाई दी अनक अजीम भाई ये ताडे ते सूट करदी है फड़ लो भाजी अज दा सीन है वे सानू अजीम भाई अज लभ के बहुत दिनों बाद लंबे ने अजीम भाई किथे हो यार तुसी किथे बिजी हो ठीक है तुसा 100 रुपए का हाउस बनाया लेकिन इहदा आ मतलब नहीं सानू गरीबां नू भुल जाओ ते इधरों कंध टपनी पैनी है सानू उन्हां ने कंध तोड़ के नहीं निकाल ऐ जी साडे महल्ले का फुटबाल ग्राउंड इनू इस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही है फौजी आए ने यार गड्डियां छड्डियां लगियां फौज दियां खाओ मां कसम न जाने क्या सीन है फौज का तो आज हम आया है ग्राउंड पे तो ये वो ग्राउंड है जहाँ पर हमारे साथ ओए होए ये फौज वाली याद आपको एक स्टोरी अजीम भाई मेरी वो फौज की कहानी कितनी अल्लाह अल्लाह माफ करे अजीम भाई तुसी सुना ली मेरे को नहीं जो सुनाई चलिए क्यों क्या हुई बहुत दुखी कहानी ही साड़ी फौज की माँ टेस्ट देन गया टेस्ट दे विच रह गया ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੀ ਸੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਈ ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਜੀਮ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਦਫਾ ਮਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਚਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਲੱਭ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਮਰੀਦ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਰੀਦ ਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ बच्चा क्रिकेट खेल रहा है वो देखो तो हम फौजी भाई से भी आपको मिला था ये देखो फौज की गाड़ियां यार मेरा बहुत पसंद था ये फौज। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल चाल सर इधर क्या हुआ है नहीं वीडियो अपना बना रहे और सब ठीक तो भाई आज अजीम भाई आपको मरीद के में आके कैसा फील हो रहा है क्या अच्छा लग रहा है मतलब पूरी हो रही है नींद पूरी हो गई है तो उधर बैठे जाके वो साइड पे इधर यह सनशाइन आ रहा है तो उधर हम धूप में बैठ के आपसे बात करते हैं एक मिनट कौन है ये लोग कहां से आते हैं अजीम किधर चक्करा जी हुन चल
खिला दे यार गेंद भाई, हेलो खिला दे यार, चल खेल ला फिर खेल ला। आउट आउट, अजीम भाई आ गए हैं फील्ड में और ये बाबर आजम के बच्चे हैं। अजीम बाबर आजम का शागिर्द, ओ बॉल आ गई, ओ बीट। और भाई आप क्या देख रहे हैं, ये अब छक्का पड़ने लगा। अजीम छक्का ना पड़ा तो माल्टा तेरा मैं खा जाऊंगा। लो भाई फॉरेंस फॉरेंस, क्या बात क्या बात क्या बात, ये वाह बड़ी शॉट, बड़ी शॉट मारी, एडी लंबी शॉट मैं करना बाबर आजम को नहीं भाई। हमने रेस्क्यू वालों के साथ मैच डाल लिया, ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बंदा मेरी टीम में, आप मेरी टीम में हो भाई ठीक है, और ये अजीम भी मेरी टीम में है और वो रेस्क्यू वाले भाई के साथ हम खेल रहे हैं। चलो आप इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ। चलो जी मैच शुरू हो गया, हम आपको मिलता थोड़ी देर बाद। अफसर ने हमें दो छक्के मारे और फिर आउट हो गया। मैं नहीं मानता, दुआ करा लिया, चंगे थे बंदे यार। आपके भाई की बैटिंग आ गई है, आपके भाई ने एक पहली बॉल पर एक विकेट ले लिया। अजीम भाई रेस्क्यू वालों के साथ मैच है आज, अल्लाह इज्जत रखे हमारी। चलो चलो यार चलो, फौजी ने ले लिया, हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए उसे दे दिया। चलो चलो चलो, ओ चल लिया आ रे, चलो ओए ओ हेलो इधर। ए बड़ी मुश्किल ना गेंद लगी। मैं आपको पता है बाबर आजम के साथ मेरा तल्लुक रहा है, लेकिन उसने मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने बस हाल चाल पूछा था, वो भी मैंने उसे कमेंट किया कि कमेंट में उसने मुझे कहा ओके बेटा गॉड ब्लेस यू वेलकम बैक। और क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप, फिर आपकी आंख खुल गई। उसके बाद ये देखिए ये सारे फुटबॉल प्लेयर्स ये मेरे साथ खेलते रहे, इनके साथ मैंने अपना बचपन गुजारा और अब ये जवानी में है और हम अभी भी बस समझ ये बार बार फेल हों रहे एक क्लास थे उतना ही रह गया। बताऊं मैं 29 फरवरी को पैदा हुआ था, इसलिए मैं इतना रह गया हूँ ये बड़े हो गए। तेरी लेकिन एक सेकंड, तेरी तो 17 जुलाई है, 4 साल बाद मैं 1 साल का था। ये अब बड़े प्लेयर नहीं, नहीं तू तो 17 जुलाई नु होया थे, इन्होंने अपने अपने जेट ले लिए और मैं अभी भी किसी का बैट पकड़ के खेल रहा हूँ। तो ये दो माते हमने घर से खर्चा लेके ले लिए। ओए मुफ्त में ही आउट हो गया मम्मा। वीरे ने एक मैच जिताता ते एक च असा 17 स्कोर करता है। आउट oh हो गया विकेट आउट, हम भाई लगे हुए ने वेखो दीम साहब पंजी करना पंजी, रेस्क्यू वाले ने एक मैच चढ़ाता है, रेस्क्यू वाले जीत ले ली चाहिए साने तो दस दी। वाह जी वाह जी वाह, डबल 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 डबल। लो भाई हमारी फिर से बॉलिंग आ गई है, सही ओवर करना सही ओवर करना। कितना स्कोर है, कितना दी,
पाला 21-21 में 10 में आउट करना है सबको। वही रेस्क्यू वाला हमसे हार के भाट खेलने लग पड़ा उधर जाके। पकड़ो पकड़ो, आखिरी ओवर हमने जीत ले नहीं देना इन्हें। आज हम रेस्क्यू वालों से 2 मैच जीत गया, 2 मैच, क्या बात है। लो भाई जीम साहब, मजा आया। लॉन्ग टाइम ऐसा रेस्क्यू वाले ने 2 मैच हराते, 2 मैच ते साडे माल्टे हले बच के नो ते बैग खा के घर जाने। ते असी भाजी अज दा व्लॉग, अज असी रेस्क्यू वाले ने 2 मैच हराते ते अगो हुन असी आर्मी लभने। आर्मी वाले नु हरावांगे। ते साडे ओ भाई यूट्यूब चैनल नु सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग दे नाल असी आवांगे। ओला कल्ला हाफिज़ बस जी। Thank you.